नमस्कार दोस्तों, मैं वेदेही वाटिका चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे आज के वीडियो का विषय है कैलेथिया प्लांट। यह पौधा दक्षिण अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में मिलता है, लेकिन अपनी खूबसूरत पत्तियों के कारण इसे घर में हाउस प्लांट के रूप में भी लगाया जाता है। इन्हें मोर के पौधे या पिकॉक प्लांट, जेब्रा प्लांट, रैटल स्नेक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें प्रेयर प्लांट भी कहते हैं, लेकिन ये प्रेयर प्लांट नहीं है फ्रेंड्स। कैलेथिया और प्रेयर प्लांट बिल्कुल मिलते जुलते प्लांट ही होते हैं, क्योंकि कैलेथिया भी मोरेंटेसी परिवार से संबंधित पौधा है और प्रेयर प्लांट की भी यही फैमिली है। इसीलिए मूल रूप से दोनों पौधे बिल्कुल समान ही दिखते हैं। ऐसे कई हाउस प्लांट होते हैं जो विशेष रूप से उनके पत्तों के लिए ही उगाए जाते हैं, और उन्हीं पौधों में से एक कैलेथिया प्लांट भी है। इस पौधे के पत्ते भी बड़े आकार के और बेहद खूबसूरत होते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इनकी डिज़ाइन ऐसी होती है मानो किसी कलाकार ने सुंदर सी पेंटिंग इन पत्तों पर बनाई हो, इसीलिए इन पौधों को हैंड पेंटेड भी कहते हैं। यह पौधा महंगा हो सकता है, किंतु यह अपनी पत्तियों की सुंदरता से आपका मन मोह लेगा और आप इसे ज़रूर खरीदना चाहेंगे। देखभाल की अगर बात करें तो यह पौधा एक आसान हाउस प्लांट नहीं है। यदि आप अनुभवहीन हैं या कम रखरखाव वाले पौधे को पसंद करते हैं, तो यह पौधा आपके घर अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो मुझे भी यह पौधा मेरे भैया ने गिफ्ट किया था, और मुझे इस पौधे का ना तो नाम पता था और ना ही इसकी देखभाल के बारे में कोई भी जानकारी थी। काफ़ी सर्च करने के बाद जब मुझे पता चला कि इस पौधे का नाम कैलेथिया है, तब तक मैं बहुत देर कर चुकी थी, क्योंकि मेरे पास ये पौधा लगभग समाप्त हो चुका था, ये पौधा ख़त्म हो गया था। इसकी पत्तियाँ बिल्कुल पीली सी पड़ गई थी, मैंने इस पौधे में ओवर वाटरिंग कर दी थी, तो मेरे पास फिर ये था नहीं। मुझे बहुत दुख भी हुआ, लेकिन एक बड़ा ही चमत्कार ही समझूंगी मैं उसे, कि मैं इस पौधे के गमले को साइड कर चुकी थी और लगभग एक महीने तक ये पौधा एक ऐसी जगह पड़ा रहा जहाँ ब्राइट लाइट तो रहती थी, लेकिन मैंने उसे देखा भी नहीं, ना कभी उसमें पानी दिया, बिल्कुल सूखी मिट्टी। और अचानक से जब लॉकडाउन था और मैं पौधे लगा रही थी, तो मुझे एक पौधा लगाने के लिए गमले की आवश्यकता महसूस हुई, तो मुझे कैलेथिया का ही वो गमला याद आया कि मैंने वहाँ रखा हुआ है, उसमें मिट्टी भी है। तो मैं जब गमला लेने गई तो मैंने देखा कि एक अंकुरण सा मैंने गमले में देखा, तो एक अनुमान लगाया कि शायद ये वही पौधा फिर से उगने लगा हो। तो मैंने इसे फिर एक अपने सभी पौधों के साथ में रखा और पानी देना शुरू किया। तो जब ये पौधा अंकुरण जैसे जैसे बड़ा और फिर से जब इसकी पत्तियां निकल कर आई, तो मैं बहुत ही मैं खुश हुई कि ये तो वही पौधा है जो मैं समझ रही थी कि अब मैंने खो दिया है। तो ये पौधे जो हैं ये जड़ से उगने वाले हैं, बल्ब की तरह होते हैं, कि बल्ब है और आप अगर उनमें पानी दे या न भी दे, मैंने तो खैर नहीं दिया, फिर भी ये पौधा मुझे फिर से मिल गया। तो ये मेरा एक अनुभव था। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप उम्मीद बिल्कुल रखिएगा इस पौधे को वापस फिर से पाने की। तो ये जो पौधा है, इसकी जो विशेष देखभाल आपको करनी होगी, इस पौधे की विशेष देखभाल में एक महत्वपूर्ण बात होती है पानी की। इसमें आप ज़्यादा पानी नहीं दीजिए, लेकिन हाँ, ये पौधा नमी को ज़रूर पसंद करता है। आर्द्रता, उच्च आर्द्रता को ये पसंद करता है, हाई ह्यूमिडिटी इसे पसंद होती है, वार्म टेम्परेचर में ये बढ़ता है। लेकिन इस पौधे के जो गमला है उसमें पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, जो गलती मैं पहले कर चुकी थी। पानी का ठहराव होने से पौधे की जो जड़ है वो सड़ने लगती है, और फिर आपका पौधा लगभग ये मानिए आपके वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, ये जो पौधा है प्रोपोगेट आप आसानी से कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, अलग अलग इसमें छोटे छोटे पौधे इस ही पौधे से अलग निकलते हैं, तो आप उनका विभाजन भी कर सकते हैं। वैसे इस पौधे को रिपोर्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पर जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो विभाजन के द्वारा आप फिर से एक नया पौधा इससे तैयार कर सकते हैं। इस पौधे में फूल भी आते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पर फूलों से ज़्यादा इसकी सुंदरता इसकी पत्तियों से ही होती है, और पत्तियों के कारण ही यह लगाया जाता है।
प्रकाश की अगर बात करें तो कैलेथिया के पौधे सीधी धूप को पसंद नहीं करते हैं। सीधी धूप से पौधे की पत्तियों को नुकसान होता है, तो आप इन्हें ऐसी जगह रखें जहां ब्राइट लाइट आती हो, या फिर आप इन्हें नेट के नीचे रख सकते हैं, या किन्हीं बड़े पौधों के बीच में इन पौधों को आप लगा सकते हैं जिससे फिल्टर्ड जो रोशनी है वो इन्हें मिले। लेकिन आप इन्हें बिल्कुल शेड में भी ना रखें, उससे भी पत्तियाँ का जो रंग है वो उतना सुंदर निखर कर नहीं आएगा। और रही बात उर्वरक की, तो बसंत या गर्मी के मौसम में आप महीने में एक या दो बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो इनके लिए अच्छा रहता है। कीट की अगर बात करें तो मैंने तो खैर अभी तक अपने पौधे पर किसी भी प्रकार के कीड़े का हमला नहीं देखा है, लेकिन कैलेथिया पर रेड स्पाइडर माइट का हमला होता है और इसी से इनको बहुत ही नुकसान होता है। तो इनसे बचने के लिए आप अपने पौधे पर जो साबुन का घोल बनाकर हम सर्फ में नीम का तेल डालकर जो लिक्विड छिड़कते हैं वो आप इन पर छिड़काव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इनके लिए रहेगा। बाकी की सारी देखभाल लगभग जो सभी पौधों के साथ हम करते हैं वैसी ही है, जैसे मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए आप परलाइट मिट्टी में डाल कर भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। परलाइट नहीं हो तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट ना भी हो तो जो नारियल आपके घर में निकलता है, नारियल का जो हस्क होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े करके आप मिट्टी में मिक्स करके भी इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा यह वीडियो और ये पौधा जो है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।